हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। और आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड, आ गई हूँ मैं किचन में और आज मैं बनाऊंगी गुलाब जामुन। और मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मैंने ये पैकेट का बाबा गुलाब जामुन लिया है और अब मैं इसे चलूँगी गूँथ लूँगी पहले। और फ्रेंड, ये मैंने लिया है दूध और घी, मैंने 2 चम्मच घी लिया है, थोड़ा सा मैंने दूध लिया है। और मैं अब अच्छी तरह से इसे गूँथ लूँगी। बहुत ही सॉफ्ट डो मैं इसका तैयार करूँगी, बहुत हार्ड नहीं। और थोड़ा थोड़ा बहुत ही मुलायम हाथों से मैं इसे गूँथूँगी, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के। तो आप लोग भी दूध या घी जो भी हो आपके पास, नहीं गुनगुने पानी से भी आप इसे अच्छे से गूँथ सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा गुलाब जामुन बनता है। मैं इसी तरह से बनाती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग के साथ शेयर करूं। और मैं एकदम इसे मुलायम गूँथूँगी थोड़ा थोड़ा डाल के। तो फ्रेंड, ये देखिए मैंने इसे अच्छे तरीके से गूँथ लिया है और देखिए कितना सॉफ्ट है। मैंने इसे बिल्कुल हार्ड नहीं गूँथा, एकदम सॉफ्ट हो इसका मैंने तैयार किया है। अब इसे मैं रख दूँगी सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए। और अब मैं बनाऊँगी पहले चाशनी। और मैंने ले लिया है आधा किलो चीनी लिया है। और जितना मैंने चीनी लिया है उसी हिसाब से मैं पानी डालूंगी, तो मैंने उतना ही पानी डाल दिया है। और ये देखिए मेरी चाशनी हो गई है और मैं इसे अच्छे से चलाऊंगी जिससे कि मेरी चाशनी लगे ना। तो मेरी चाशनी उधर हो चुकी है, हो रही है। और इधर मैं अब गोलियाँ अच्छे से बना लूँगी, जितनी भी साइज़ की आपको चाहिए उतनी भी साइज़ से आप बना सकते हैं। आपको छोटी या बड़ी जैसे भी रखनी हो आप ऐसे बना सकते हैं। और इस तरह से बनाएंगी जैसे ही बीच में फटे ना और तलने पर भी ना फटे, और खूब अच्छी तरीके से इसे दबा दबा के अच्छे से बना लेंगे। तो फ्रेंड, मैं ज़्यादा बड़ी या छोटी नहीं बना रही हूँ, मैं बहुत ही मीडियम साइज़ में बना रही हूँ। और इसी तरीके से मैं सारी बना लूँगी। और अब देखूंगी मेरी चाशनी कैसी हुई है। और ये देखिए मेरी चाशनी अच्छी तरीके से हो गई। तो मेरी चाशनी थोड़ी सी गंदी लग रही थी, इसका कलर बहुत अच्छे से नहीं आया था। कभी कभी होता है कि जैसे हम चाशनी बनाते हैं तो उसमें गंदगी रहती है। तो ये देखिए मैंने उसमें थोड़ा सा दूध डाल के और सारी जितनी गंदगी होती मैंने उसे निकाल लिया है। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और ये देखिए कितनी मैल निकली हुई है चाशनी में से। और इसमें मैं डाल दूंगी अब इलायची पाउडर, और मिलाने के बाद मैं अच्छे से इसमें एक बार अच्छे से चलाऊंगी। और ये देखिए फ्रेंड, मेरी चाशनी बनके तैयार हो गई है। और मैंने गैस पे रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में डालूंगी मैं रिफाइंड ऑयल। और कुछ ज़्यादा ही रिफाइंड ऑयल डालूंगी जिससे कि मेरा जो मैंने गोलियां बनाई है वो अच्छे से डूब जाए और अच्छे से तल उठे। तो मैं इसी तरह से सारी जो मैंने बनाई है गुलाब जामुन अब इसमें डाल दूंगी और अच्छे से तलूंगी। और मैंने पहले सारी मैंने डाल दी है इसमें, और मैंने गैस को थोड़ा स्लो कर दिया है। पहले मैंने हाई किया था, उसके बाद मैंने स्लो कर दिया जिससे अच्छे से सिक जाए, ये बीच में कोई कमी ना रहे। तो अब इसे थोड़ा सा मैं साइड से इसे चला दूंगी जिससे कि सारी गोलियां अच्छे से हो जाएं।
तो फ्रेंड इसे मैं हल्का अच्छे से जब ये ब्राउन हो जाएगा तब मैं इसे निकालूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये ब्राउन कलर का हो गया है, बहुत अच्छे से सिक गया है। तब मैं इसे निकाल लूँगी और निकालने के बाद इसे मैं चाशनी में डाल दूँगी और इसी तरह से मैं सारा तल लूँगी। तो फ्रेंड मैंने सारा गुलाब जामुन तल लिया है और अब मैं डाल दूंगी इसे चाशनी में। और चाशनी मेरी थोड़ी सी गर्म है जिससे बहुत ही जल्दी ये गुलाब जामुन मेरे गल जाएंगे, एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं। ये देखिए कितना स्पंजी बना है और बहुत ही जल्दी ये गल जाता है। तो प्लीज़ आप लोग भी आ जाइए, चख लीजिए, चख के बताइए कैसा बना है। तो फिर मिलूँगी एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।